विनोद कुंदानी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि डबल निमोनिया क्या होता है। जब फेफड़ों में कफ बनने लगे और वो निकले भी नहीं तो फिर डबल निमोनिया हो जाता। कफ बन भी रहा और निकल नहीं रहा है। देखो, श्वास अंदर भर के पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ करके आगे आएंगे, तो इससे फेफड़ों का भी पूरा व्यायाम हो जाता है और पूरे शरीर का भी पूरा व्यायाम। ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, ये साष्टांग आसन, भुजंग आसन, पीछे झुके तो श्वास अंदर, श्वास बाहर छोड़ दिया, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, फिर हाथ ऊपर। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम आसन, ऐसे ये बैठ बैठ। स्वामी जी, विकास त्यागी हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनको एस्पर गिलोमा है और इसकी वजह से लंग्स से, फेफड़ों से खून आता है, ब्लड आता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। एक तो रोज उनको श्वासारी क्वाथ पीना है। श्वासारी क्वाथ पिए और श्वासारी गोली दो दो खा लें। खाली पेट खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी खा लें। और जिनको अब ये फेफड़े से में कफ भी बन रहा है और खून भी आ रहा है और बाद में यदि ठीक ना किया तो टीबी भी हो सकती है, तो श्वासारी 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम, ये श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादि हम सबको उपलब्ध कराते हैं पूरे देश भर में। श्वासारी 20 ग्राम, सीतोपलादि 20 ग्राम, त्रिकुटा 20 ग्राम और इसके अंदर 5 ग्राम अभ्रक भस्म और ए जो है 2 से 3 ग्राम ये स्वर्ण वसंत मालती रस उसमें डाल करके खिला दे। पहले ही दिन से इतना जबरदस्त लाभ होगा कि कोई ब्लीडिंग आनी बंद हो जाएगी, कफ का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा, निमोनिया भी ठीक हो जाएगा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एक बहुत बड़ी खतरनाक समस्या होती है उसको लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। भस्त्रिका करो बेटी, लंबा श्वास लो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो बहुत जरूरी है। गले में खराश रहती है तो उज्जाई भी जरूरी है और फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये करें। तो मैं बोल रहा था 20-20 ग्राम सीतोपलादि, त्रिकुटा, श्वासारी, ये तो पाउडर है जी, ये लेकर के इसमें 3 ग्राम ये मिला लिया, बहुत ज्यादा एक्यूट है प्रॉब्लम तो स्वर्ण वसंत मालती, 5 ग्राम अभ्रक भस्म और ब्लीडिंग हो रही है इसलिए कहरवा पिष्टी भी 5 ग्राम मिला दी, ये खिलाएं सुबह, दोपहर, शाम, एक एक बार और फिर देखो ये कफ भी और ब्लीडिंग भी दोनों ही बंद हो जाएगी और उनका फेफड़ा इतना मजबूत हो जाएगा कि वो 5 किलोमीटर तक दौड़ लगा सकेंगे। बहुत शानदार स्वामी जी।